दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, अब मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली और न्याय के देवता कर्म फल दाता भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको 1 जून से 30 जून यानी कि जून 2024 के महीने में मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जा दोस्तों, अब जून के महीने में आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, पैसा होगा, हर सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति होने वाली है जून के महीने में 1 जून से 30 जून। इसलिए आप मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बताना चाहेंगे कि न्याय के देवता कर्म फलदाता भगवान शनिदेव और महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली की कृपा से आपके लिए ये जो जून का महीना है बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है। जून के महीने का समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहेगा, आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, गाड़ी पैसा बंगला सब कुछ आपको मिलने वाला है। यूं कहें अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि शनि का शशि योग, काल सर्प योग, सौभाग्यवान योग, कार्य सिद्धि योग, राजयोग, धन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे अनेकों योग बन रहे हैं जून के महीने में, जो कि दोस्तों ऐसे योग पूरे 11 वर्षों के बाद एक साथ आपकी कुंडली में बने हैं, जिसमें कि संकट मोचन भगवान बजरंगबली और न्याय के देवता कर्म फल दाता भगवान शनिदेव एक साथ आपके ऊपर प्रसन्न हैं, मेहरबान हैं और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाले हैं। यूं कहें अब आप रोना धोना बंद करो, क्योंकि आपका अच्छा समय अब आ चुका है, आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, जीवन में वह सब कुछ आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, जिसका आपको पिछले काफी समय से इंतजार था। तो दोस्तों अब वह समय आ चुका है। तो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं, किस प्रकार इन खुशखबरियों का आप लाभ उठा सकते हैं, समय का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही साथ आपको कौन कौन सी सावधानी भी बरतनी होंगी जून के महीने में, जिससे कि आपको इस समय का और अधिक लाभ मिल सके, वीडियो में वही आपको बताएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे, सटीक जानकारी देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ एक बात और आपको बता दें, आज की वीडियो को केवल नसीब वाला ही देख पाएगा, ये समझ लें आप। यदि वीडियो आपके सामने आई है तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, स्किप मत करना, काट काट कर बीच में से वीडियो नहीं देखनी। आज की वीडियो जिसने पूरी देख ली तो उसका भाग्य खुल जाएगा, ये समझ लें। और जिसने आज की वीडियो मिस कर दी, बीच बीच में से काट कर देखी, तो वह जीवन भर पछताता रहेगा, रोता रहेगा। क्यों? क्योंकि वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे, कहीं आप उन बातों से वंचित ना रह जाना, इसलिए पूरी वीडियो देख कर ही जाना, सारे काम छोड़कर वीडियो पूरी देखना, क्योंकि पूरे 11 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ योग आया है जिसमें भगवान बजरंगबली और भगवान शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न है, मेहरबान है, समस्त इच्छाएं आपकी पूर्ण करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें। वीडियो का शुरू करें, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं भगवान बजरंगबली और भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना, जय शनिदेव जय बजरंगबली कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे भगवान बजरंगबली और भगवान शनिदेव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए दोस्तों समय को न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार संकट मोचन भगवान बजरंगबली और न्याय के देवता कर्म फल दाता भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए 1 जून से 30 जून यानी कि जून 2024 के महीने का यह महत्वपूर्ण समय। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, यह समय आप पिछले कुछ समय से जो भी बाधाएं आ रही थी, जो भी विपदाएं थी, परेशानियां थी, उन सभी को दूर करने में आप सफल होंगे, जिससे आप में आत्मसंतुष्टि का भाव रहेगा, राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। इन दिनों आपको बता दें एक खास मुकाम भी आप हासिल करेंगे। यह जो समय है मान व प्रतिष्ठा वर्धक है,
धर्म कर्म व आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि रहेगी। व्यवसाय घर व दुनियादारी के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर आप रखेंगे। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा आपको इस समय में वापस मिल सकता है। यदि प्रयास करेंगे तो उधार दिया हुआ पैसा आपको अवश्य वापस मिलेगा। यह वह समय होगा। वैसे तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। यदि बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहां से भी धन लाभ के प्रबल योग हैं। जो भी मौका मिले हाथ से मत जाने देना। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से मन में आपको खुशी रहेगी। अपने उसूलों व सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का आप समझौता ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा और ऐसा करना आपको मजबूत बनाकर रखेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय आप अपने व्यवहार व मृदु भाषिता द्वारा यदि कोई खराब संबंध है उनको भी सुधारने में सफल रहेंगे। आपकी सकारात्मक सोच जैसे कि भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए स्वाभाविक ही उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। साथ ही घर में इस समय कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। अपनी समझबूझ व बुद्धिमता के द्वारा आप अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना आपको विशेष सफलता प्रदान करेगा। घर में मित्रों या फिर मेहमानों का आगमन होगा तथा सभी सदस्य आपसी मेल जोल का लुप्त भी उठाएंगे। और साथ ही साथ आपको सावधानी के तौर पर बात बता दें कि कभी कभी आपका मन मौजी स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर में पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से किसी भारी व्यक्ति का भी हस्तक्षेप हो सकता है। और आपको एक बात और बता दें, भाइयों के साथ, घर परिवार के किसी भी लोगों के साथ आप मधुर संबंध बनाकर रखें। मधुर संबंध का मतलब गलत वाणी का प्रयोग ना करें, अच्छा बोलें, मिठास रखें अपनी बोली में। अन्यथा क्या होगा, आपके लिए गलत व्यवहार आपके बनते बनते कामों को भी बिगाड़ सकता है। जो काम बनना भी होगा वह भी बिगड़ सकता है आपके गलत व्यवहार से। इसलिए आप अपना कोई भी कार्य करें तो सोच समझ कर करें, मधुर वाणी रखें और मिठास रखें। व्यवहार को अच्छा बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अवश्य ही लाभकारी स्थितियां उत्पन्न होंगी। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, जिस पे आप अधिक विश्वास करते हैं या आपका कोई नजदीकी ही आपसे ठगी कर सकता है या आपको धोखा दे सकता है, थोड़ा सावधान रहें। और युवा वर्ग अपने कैरियर के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, भविष्य के लिए नुकसानदेही हो सकती है, इसलिए सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक है। बात अगर लव लाइफ के नजरिए से करी जाए, प्रेम संबंधों के नजरिए से करी जाए, तो दोस्तों आपको बता दें, पति पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और अविवाहितों के लिए विवाह से संबंधित अच्छे प्रस्ताव घर में आएंगे, विवाह के योग बनेंगे। और साथ ही साथ अधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार पर कुछ समय ध्यान नहीं दे पाएंगे, कुछ समय, परंतु जीवन साथी व घर परिवार का सहयोग पारिवारिक वातावरण को उचित बनाकर रखेगा। वह समझेगा कि आप वाकई में ही अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। घर परिवार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय है, अविवाहितों के लिए भी अच्छा समय है, प्रेम प्रसंगों के लिए समय अच्छा रहेगा, लाभ उठाएं समय का। अगर बात व्यवसाय की करी जाए, करियर की करी जाए, बिजनेस व्यापार की, तो आपको बता दें तो यह जो समय रहेगा आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा बिजनेस व्यापार के संबंधित। यदि आपका कोई खान पान का व्यवसाय है
या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फिर तेल का कोई बिजनेस है, मतलब कि कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसमें आपको अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा इस समय। अपनी मेहनत को जारी रखें, प्रयासरत रहें, कोई भी मौका आए हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आप बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं इस समय। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में जो भी कार्य मिलेगा वह समय पर पूर्ण भी करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके काम की सराहना करेंगे, प्रशंसित होंगे वो, और इससे क्या होगा आपके लिए प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के योग बन जाएंगे। मनचाहा ट्रांसफर आपको मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, वेतन वृद्धि के योग रहेंगे, इससे क्या होगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपकी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो घर परिवार में भी खुशनुमा वातावरण रहेगा, आप स्वयं प्रसन्न चित रहेंगे, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी मनचाही नौकरी के प्रबल योग हैं। यदि कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है तो इंटरव्यू के अच्छे रिजल्ट्स उनके हित में आएंगे, और जो नौकरी के लिए प्रयास जारी रखा है उसको प्रयास को जारी रखें, अवश्य ही मनचाही आपको नौकरी भी इस समय प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छा योग है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, धन लाभ के प्रबल योग हैं, रुका हुआ धन वह वापस मिल जाएगा आपको। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग हैं, जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ के वहां से भी योग हैं, तो धन प्राप्ति के तो प्रबल योग इस समय आपकी राशि वालों के लिए नजर आ रहे हैं। समय का लाभ उठाएं, जो समय यह रहेगा आपके लिए वह समय वापस नहीं आएगा, यह समझ लें। महाभाग्यशाली समय, लाभ उठाएं समय का, जो मौका मिले हाथ से जाने ही ना दें। अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, यकीनन आपको बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी। अगर दोस्तों आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो यह जो समय रहेगा स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता आप बिल्कुल ना करें। कभी कभी गलत खान पान की वजह से पेट खराब, पेट में गैस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है गलत खान पान की वजह से, इसलिए क्या करें सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, अच्छा भोजन लें, प्राकृतिक चीजों का अधिक सेवन करें, सुबह प्राणायाम करें, योग करें और योगासन वगैरह सुबह आप करें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, मौसमी फलों का सब्जियों का सेवन आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, प्रसन्नचित रहें, सकारात्मक सोच रखें, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।